हाय गाइज, माय नेम इज मनीष एंड यू वाचिंग दिस टेक शो। गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास भी एयरटेल का सिम है तो आप उसमें फ्री में हेलो ट्यून या फिर बोले तो कॉलर ट्यून कैसे सेट कर सकते हो। आज के इस वीडियो हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि आप कैसे फ्री में हेलो ट्यून और कॉलर ट्यून सेट कर सकते हो अपने एयरटेल सिम पे। दोस्तों, फ्री में कॉलर ट्यून सेट करने के लिए आपको बिंग म्यूजिक को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, चाहे तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो इस एप्लीकेशन को हम यहाँ से ओपन करते हैं और उसके बाद हमें सिंपली से जाना है माई अकाउंट में। दोस्तों, माई अकाउंट में जाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको अपना लैंग्वेज और वॉइस क्वालिटी को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद फिर से आना होम सेक्शन में, और यहाँ पे आपको एक दिख रहा हुआ इतना सारा गाना, इसमें से आपको जो गाना लगाना है वो गाना आपको सेलेक्ट करना है। अगर इसमें से कोई गाना आपको पसंद नहीं आता है तो देन यहाँ से सर्च भी कर सकते हो कि कौन सा गाना हमें लगाना है। तो यहाँ वाला ये वाला सॉन्ग बज रहा है, इसके ऊपर हम करते हैं क्लिक, और उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे में यहाँ पे दिख रहा होगा जो ये लिखा हुआ आ गया, तो लुका छुपी का सॉन्ग है। तो इसके ऊपर हम कर देते हैं फिर से क्लिक, और यहाँ पे दो ऑप्शन हमें मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हो दो ऑप्शन मिल रहा है, पहला है डाउनलोड का और दूसरा है सेट या कॉलर ट्यून का। तो सेट या कॉलर ट्यून वाले ऑप्शन हम क्लिक करते हैं और यहाँ से एक्टिव फॉर फ्री के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए मेल भी आ गया, कंग्रेचुलेशन योर कॉलर ट्यून विल बी सेट शॉर्टली विथ वैलिडिटी 24 अगस्त 2019। और उसके बाद देखिए हमारा ऊपर में यहाँ पे मैसेज भी आ चुका है, करते हैं अपने मैसेज को। दोस्तों, यहाँ पे हमारा मैसेज देख सकते हो कि मैसेज में लिखा हुआ है फ्री हेलो ट्यून सर्विस फॉर 30 डे विल बी एक्टिव शॉर्टली, यानी कि 30 दिन के लिए हमारा कॉलर ट्यून एक्टिव हो चुका है। दोस्तों, 30 दिनों तक ये कॉलर ट्यून रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये हट जाएगा। अगर आपको फिर से लगाना होगा तो सेम इसी तरह का प्रोसेस कीजिएगा, और इस तरह से आप फ्री में कॉलर ट्यून लगा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं कल और एक नए वीडियो के साथ, तब तक ले बाय।